हेलो एवरीवन, जेई मेंस 2023 का सेकंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंक्लूड हो चुका है। पूरा डिटेल है, बातें करने वाला हूँ। सेकंड शिफ्ट का क्या पेपर एनालिसिस था, मतलब किस टाइप से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सेक्शन से कौन सा सेक्शन लाइक किस सेक्शन से कौन से सवाल आए हुए थे, तो बात करता हूँ फिजिक्स सेक्शन की। फिजिक्स सेक्शन एज अ जैसे सिमिलर चला आ रहा है सेकेंड शिफ्ट में, लाइक सेकेंड अटेम्प्ट में, कि 6 तारीख को जो दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे और आज सुबह भी जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें फिजिक्स सेम एज फार्मूला बेस पे आए थे, सीधे सीधे फार्मूले पे आया हुआ था आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया, इलेक्ट्रिक करंट एंड वेव्स वाला जो था, एंड ये सब जो मैंने चैप्टर्स बता रखे थे, यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस वगैरह एंड ग्रेविटेशन वगैरह, इन सबसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। मैथमेटिक्स सेक्शन की बात करें तो मैथमेटिकल रीजनिंग आपका हो गया, कैलकुलस से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, एंड ये आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के सवाल देखने को मिले थे। केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों का सेम बैलेंस था, मतलब बैलेंस पेपर आया हुआ था। लाइक जैसे आपका सरफेस केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, सबसे क्वेश्चन देखने को मिले थे। पेपर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो जनवरी वाले अटेम्प्ट से इस बार का सारे पेपर्स लगभग डिफ़िकल्टी लेवल कम है, मतलब बहुत इजी पेपर आ रहा है, सेम एज फार्मूला बेसिस पे सीधे सीधे आ रहा है। अगर आप इसे कह रहा हूँ फार्मूला रिवाइज़ करके ज़रूर जाइए, फार्मूला अगर रिवाइज़ करके जा रहे हो आपका पेपर इजीली हो जाएगा। जनवरी का पेपर ज़रूर लगा के जाना। अभी जो आगे आने दिनों में जिनका एग्जामिनेशन है, इस वाले अटेम्प्ट्स के भी का पेपर मिल जाए तो आप लगा के ज़रूर जाना। प्रीवियस ईयर के पेपर लगा के जाना, गारंटीड है 60-70% पेपर आपका हो जाएगा। मिलता हूँ आगे की वीडियोज़ में। कोई डाउट हो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके बताओ। बाय बाय।